हेलो फ्रेंड, माय नेम इज प्रियंका और आज हम मल्टीमीडिया की सीरीज में टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। सीडी रोम, डीवीडी एंड मल्टीमीडिया हाईवे। आज हम तीनों के बारे में जानते हैं कि तीनों होते क्या हैं। फर्स्ट टीवी डिस्कस सीडी रोम। सीडी रोम हमारी कॉम्पैक्ट डिस्क होती है जो एक ऑप्टिकल डिस्क होती है। अ सीडी रोम इज अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क दैट यूजर कैन रीड बट नॉट राइट और इरेज। अ टिपिकल सीडी रोम होल्ड फ्रॉम 650 MB टू 1 GB ऑफ डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन। हमारी जो सीडी रोम होती है उसमें हम डेटा को ओनली रीड कर सकते हैं, कोई भी डेटा हम उसमें राइट या इरेज नहीं कर सकते। जो हमारी सीडी रोम का साइज होता है वो 650 MB से लेकर 1 GB तक होता है, मतलब कि वो 650 MB या 1 GB का डेटा ही स्टोर कर सकती है, वो इससे ज़्यादा का डेटा स्टोर नहीं कर सकती। ये दो फॉर्म में अवेलेबल होती है, फर्स्ट CDR और WORM एंड सेकंड CDRW। फर्स्ट हम देखते हैं CDR। इट मीन्स राइट वंस रीड मैनी टाइम्स और रिकॉर्डेबल कॉम्पैक्ट डिस्क। डेटा स्टोर इन ऑन इट वंस कैन नॉट बी इरेज। इसका मतलब है कि जो सीडी रोम होती है वो उसमें हम डेटा को एक ही बार रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसमें हम दोबारा इरेज करके कोई भी डेटा ऐड नहीं कर सकते। जो सेकेंड है हमारी CDRW, इट इज ऑल्सो नोन एज एन इरेजिबल कॉम्पैक्ट डिस्क। दीज सीडीज कैन बी यूज टू राइट न्यू डेटा एंड इरेज द प्रीवियस वन। जो CDRW है उसका मतलब है कि हम उसमें डेटा को रीड भी कर सकते हैं और इरेज करके उसमें नया डेटा राइट भी कर सकते हैं। द स्पीड ऑफ सीडी रोम ड्राइव डिटरमाइंस हाउ फास्ट इट इंस्टॉल प्रोग्राम्स एंड एक्सेस द डिस्क। फास्टर सीडी रोम ड्राइव्स आर मोर एक्सपेंसिव देन स्लोअर ड्राइव्स। जो हमारी सीडी रोम होती है वो प्रोग्राम्स को फास्ट इंस्टॉल करती है और एक्सेस भी करती है, और ये स्लोअर ड्राइव्स के से ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। अब हम देखते हैं कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। एडवांटेज ऑफ सीडी रोम, फर्स्ट है स्टोरेज कैपेसिटी। इसका मतलब है कि जो हमारी सीडी रोम होती है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी 650 MB से लेकर 1 GB तक की होती है। सेकंड है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है कि जो हमारी सीडी रोम और या इसकी डिस्क होती हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल एंड लाइट वेटेड होती हैं, और उसमें डेटा को मतलब राइट या राइट कराने के लिए एक आइडियल माध्यम की आवश्यकता होती है। थर्ड है हमारा ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है कि जो हमारी सीडी रोम होती हैं वो बहुत ही ड्यूरेबल होती हैं और इनकोडेड होती हैं इन प्लास्टिक में, और इसमें जो सीडी रोम में जो डेटा होता है उसे लेज़र बीम के द्वारा रीड किया जाता है। जो सीडी रोम होती है उसे हमें बस केयर करनी होती है उसकी फिंगरप्रिंट्स एंड स्क्रैचेस से। एंड फोर्थ है हमारा लो कॉस्ट ऑफ रिप्लिकेशन। जो हमारी सीडी रोम होती है उसको हमें रिप्लेस करना होता है, रिप्रोड्यूस करना होता है, तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो $1 से भी कम होती है। मतलब जो सीडी रोम टेक्नोलॉजी है ना, उससे हम ना मनी को सेव कर सकते हैं, कम कॉस्ट में इसे रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। फिफ्थ है हमारा इनएक्सपेंसिव हार्डवेयर। जो हमारे सीडी रोम है वो एक इनएक्सपेंसिव हार्डवेयर ड्राइव पर वर्क करती है, और पिछले कुछ वर्षों से जो सीडी रोम ड्राइव्स हैं वो हमारे उसकी कॉस्ट मतलब डिक्रीज हो रही है बहुत टाइम से। सिक्स है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ टाइटल्स। रिसेंटली जो अवेलेबिलिटी ऑफ टाइटल्स हैं वो हमारे इंक्रीज हुए हैं, और इसका एक वाइड रेंज एरिया है। लास्ट एडवांटेज है इसका स्पीड। जो हमारी सीडी रोम होती है वो सीडी ड्राइव से स्लो होती है, बट जो इसकी सर्चिंग टाइम स्पीड है ना, वो मैनुअल मेथड से भी ज़्यादा होती है। तो ये सारे हमारे एडवांटेज हुए सीडी रोम के। अब है डिसएडवांटेज ऑफ सीडी रोम। इसका फर्स्ट है कॉस्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन। जो हमारा सीडी रोम होता है उसका सब्सक्रिप्शन बहुत कॉस्टली होता है। इसे अपडेट कराने के लिए हमारी जो ओरिजिनल परचेज प्राइस होती है उससे भी कई ज़्यादा फीस देनी पड़ती है। सेकंड डिसएडवांटेज है हमारा लैक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर रिट्रीवल सॉफ्टवेयर। इसमें स्टैंडर्ड्स की कमी होती है सॉफ्टवेयर को रिट्राइव करवाने के लिए,
मतलब जो सीडी रोम है हमारा, उसमें थोड़ी सी कंसिस्टेंटी होती है, ये हमारा सेकंड डिसएडवांटेज है सीडी रोम का। थर्ड डिसएडवांटेज है हमारा इंस्टॉलेशन। वैसे तो सीडी रोम को इंस्टॉल करना बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन कभी कभी जब इंस्टॉलेशन के टाइम पे ये फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जैसे कि MS-DOS एनवायरमेंट में जब दो फाइल को चेंज किया जाता है तो जो हमारा कंप्यूटर है वो कभी कभी कन्फ्लिक्ट कर जाता है। तो मतलब कि जो सीडी रोम है हमारा वो इंस्टॉलेशन के टाइम पे कन्फ्लिक्ट कर जाता है, तो ये हमारा डिसएडवांटेज है। ये तीन हमारे डिसएडवांटेज है सीडी रोम की। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट है डीवीडी। डीवीडी मतलब डिजिटल वीडियो डिस्क। डीवीडी इज ऑल्सो नोन एज डिजिटल वर्सिटाइल डिस्क, इज एन ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडिया फॉर्मेट। इट्स मेन यूजेस आर वीडियो एंड डेटा स्टोरेज। डीवीडी आर द सेम डायमेंशन एज कॉम्पैक्ट डिस्क बट आर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग ऑलमोस्ट 7 times एज मच डेटा। इट्स मीन्स दैट कि डिजिटल वीडियो डिस्क जो है हमारी वो एक ऑप्टिकल डिस्क होती है, और ये डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होती है। जो हमारी डीवीडी होती है वो कॉम्पैक्ट डिस्क जैसी होती है, बट जो उससे कई ज्यादा 7 times ज्यादा वो डेटा को स्टोर कर सकती है। वेरिएशन ऑफ टर्म डीवीडी ऑफन इंडिकेट्स द वे डेटा इज स्टोर ऑन द डिस्क। जो हमारी डीवीडी है उसके तीन वेरिएशन होते हैं। फर्स्ट है डीवीडी रोम, सेकंड है डीवीडी आर एंड थर्ड है डीवीडी आर डब्ल्यू। जो फर्स्ट है हमारा डीवीडी रोम, इसका मतलब है कि जो हमारी डीवीडी है उसमें डेटा को ओनली रीड किया जा सकता है, उसमें ना तो डेटा को इरेज किया जा सकता है ना ही राइट किया जा सकता है। सेकंड है हमारी डीवीडी आर। डीवीडी आर में हम केवल एक ही बार डेटा को स्टोर करा सकते हैं। थर्ड है हमारा डीवीडी आर डब्ल्यू, इसका मतलब है कि हमारी जो डीवीडी में है वो डेटा को हम रीड भी कर सकते हैं और पुराने डेटा को इरेज करके उसमें नया डेटा भी राइट कर सकते हैं। ये हमारे वेरिएशन है डीवीडी के। डीवीडी सपोर्ट डिस्क विद कैपेसिटी ऑफ फ्रॉम 4.7 GB टू 17 GB एंड एक्सेस रेट्स ऑफ 600 KBPS टू 1.3 MB। जो हमारी डीवीडी है वो 4.7 GB से लेकर के 17 GB तक का डेटा को रखने को स्टोर करने की क्षमता रखती है। इसकी एक्सेस रेटिंग भी हाई होती है, 600 KBPS से लेकर 1.3 MBPS तक। और जो हमारी डीवीडी है वो MPEG यूज करती है फॉर कंप्रेस वीडियो डेटा। MPEG का मतलब होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। अब हम डिस्कस करेंगे इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज ऑफ डीवीडी। फर्स्ट एडवांटेज है इसका सुपीरियर डेटा स्टोरेज। जब हमारी डीवीडी डेवलप्ड हुई थी तो जो इसका साइज था फ्लॉपी का उसका 3.5 inch था, लेकिन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जो प्रेजेंट टाइम है अब उसमें चल रहा है 10 inches, 5.5 inches की फ्लॉपी चल रही है। जो हमारी स्टैंडर्ड होती है वो 3.5 inches की होती थी, बट नाउ फ्लॉपी का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो वो डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होती है। सेकेंड है इसका हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी का मतलब होता है जो इसकी कैपेसिटी क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होती है, सीडी रोम से 7 times ज़्यादा इसकी कैपेसिटी होती है। एंड प्रेजेंट टाइम में तो इसकी डबल लेयर वाली डीवीडीज आती हैं जो 17 GB का डेटा स्टोर कर सकती हैं। थर्ड है हमारा कॉस्ट। एक ब्लैंक टीवी की कॉस्ट ज़्यादा नहीं होती है, उसकी बस 4 to 10 times होती है फ्लॉपी डिस्क के अकॉर्डिंग, और जिसमें हम ऑडियो या कुछ वीडियो को स्टोर करते हैं इसका स्टोरेज बहुत हाई होता है। इसका सबसे एडवांटेज यही है कि इसकी कॉस्ट लो होती है और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत हाई होती है। फोर्थ एडवांटेज है डुप्लीकेशन। डीवीडी के डेटा का डुप्लीकेशन करना बहुत इजी होता है। इसमें हम नॉर्मली डेटा को एक फ्लॉपी से दूसरी फ्लॉपी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये चारों हमारे एडवांटेज हैं डीवीडी के। अब हम देखते हैं इसके डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज ऑफ डीवीडी। फर्स्ट है राइटिंग प्रॉब्लम। इसका मतलब है जो हमारी डीवीडी होती है वो राइट करने में डेटा को बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है। जब इसमें डेटा एक बार स्टोर कर दिया जाता है तो उसमें मॉडिफाई और
कोई भी डेटा न्यू ऐड तो किया नहीं जा सकता, लेकिन जो ये उसी डेटा को जो स्टोर करने में टाइम लेता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसका सेकंड है स्क्रैचेस, डीवीडी पे एक छोटा सा स्क्रैच है जो उसे ख़राब कर देता है, इसलिए उसे हमेशा सेफ्टी से रखना पड़ता है, उसे हमेशा कॉटन के कपड़े से साफ करना चाहिए एंड उसे हमेशा फिंगरप्रिंट से बचाना चाहिए, क्योंकि उस पर फिंगरप्रिंट या स्क्रैचेस लग जाते हैं तो हमारी डीवीडी चलती नहीं है, वो ख़राब हो जाती है एंड ये बहुत प्रॉब्लम करती है, इसलिए ये हमारा डिसएडवांटेज है। थर्ड है हमारा कॉपी प्रोटेक्शन, इसका मतलब है जो डीवीडीज होती है वो हमारी उसमें कॉपी प्रोटेक्शन होता है, जैसे हमारी डीवीडी में कोई भी मूवीज होती है तो उस पर प्रोटेक्शन लगा होता है, अगर प्रोटेक्शन नहीं लगा होता तो कोई भी उसे मतलब कॉपी कर सकता था, जो अनऑथराइज्ड कॉपीज कहलाती, तो ये भी हमारा एक डिसएडवांटेज है डीवीडी का। अब हम डिस्कस करेंगे मल्टीमीडिया हाईवे। मल्टीमीडिया हाईवे, नाउ दैट टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क आर ग्लोबल एंड व्हेन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स एंड कंटेंट ओनर्स डिटरमाइन द वर्थ ऑफ देयर प्रोडक्ट एंड हाउ टू चार्ज मनी फॉर देम, इंफॉर्मेशन एलिमेंट्स विल अल्टीमेटली लिंक अप ऑनलाइन एज डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज ऑन अ डेटा हाईवे। इसका मतलब है कि जो हमारी टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क्स होते हैं वो बहुत ग्लोबल हैं एंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर एंड कंटेंट ओनर जो भी कोई भी चार्ज अपने प्रोडक्ट के लिए डिसाइड करते हैं वो लिंकअप होते हैं ऑनलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूटर रिसोर्सेज के द्वारा डेटा हाईवे पर वर्क करते हैं। द इंफॉर्मेशन एलिमेंट लिंकअप ऑनलाइन एज डिस्ट्रीब्यूटर रिसोर्सेज ऑन अ डेटा हाईवे, जो हमारे इंफॉर्मेशन एलिमेंट्स हैं वो ऑनलाइन लिंक होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर रिसोर्सेज से जो डेटा हाईवे पर वर्क करते हैं। मल्टीमीडिया हाईवे हमारा पूरा डेटा का हाईवे है जो यूज्ड होता है मल्टीमीडिया में। एग्जांपल्स भी बहुत सारे हैं इसके, जैसे कि हमें पढ़ते हैं एंटरटेनमेंट कंपनीज दैट ओन कंटेंट इजीली कन्वर्ट मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स आर टीमिंग अप विथ केबल टीवी कंपनीज सच एज QVC और Viacom's। जो हमारी एंटरटेनमेंट कंपनीज होती हैं वो कंपनीज मल्टीमीडिया के थ्रू ही अपने कंपनीज को चलाती हैं, जैसे केबल हुआ, केबल टीवी से कंपनी टीम अप है, ये सारा लिंकअप ऑनलाइन होता है और ये मल्टीमीडिया हाईवे को रिफर करता है। फिल्म स्टूडियो सच एज डिज्नी एंड वॉर्नर ब्रदर्स क्रिएटिंग न्यू डिवीजन टू प्रोड्यूस इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया, जो हमारा फिल्म स्टूडियोज होते हैं और जैसे डिज्नी चैनल है हमारा कार्टून का चैनल है वो मल्टीमीडिया का ही तो पार्ट है, मल्टीमीडिया के थ्रू ही तो हम उससे इंटरेक्ट कर पा रहे हैं और वो कोई भी नया मल्टीमीडिया प्रोड्यूस भी करता है। प्रेजेंट टाइम में हमारा मोस्टली वर्क मल्टीमीडिया हाईवे पर डिपेंड है। नेक्स्ट, फुल टेक्स्ट कंटेंट फ्रॉम बुक्स एंड मैगजीन्स एक्सेसिबल बाय मॉडम्स एंड इलेक्ट्रॉनिक लिंक, फीचर मूवीज प्लेड एट होम, रियल टाइम न्यूज रिपोर्ट फ्रॉम एनीवेयर ऑन अर्थ भी अवेलेबल, लेक्चरर फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज बी मॉनिटर्ड फॉर एजुकेशन, क्रेडिट स्ट्रीट मैप्स ऑफ एनी सिटी व्यूअल एंड ऑनलाइन ट्रेवलिंग इंक्लूडिंग टेस्टिमेंशल एंड वीडियो ट्रैक्स। हमारी जो बुक्स और मैगजीन्स होती है उसमें जो फुल टेक्स्ट कंटेंट होता है वो हमारा मल्टीमीडिया हाईवे का ही एग्जाम्पल है। हम मूवीज देखते हैं, गेम खेलते हैं, रियल टाइम न्यूज देखते हैं, वो सारा हमारा मल्टीमीडिया के अंदर ही आता है। एंड जो हमारे लेक्चरर्स होते हैं वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पार्टिसिपेट करते हैं मल्टी मॉनिटर्ड के थ्रू, मतलब कंप्यूटर के थ्रू, और कंप्यूटर हमारा मल्टीमीडिया पर वर्क करता है। और जैसे कि हम गूगल मैप यूज़ करते हैं ना, तो मैपिंग में देखते हैं, वो भी हमारा मल्टीमीडिया का ही एग्जांपल है। ऑनलाइन ट्रैवलिंग, मतलब कोई भी किसी भी जगह के बारे में ऑनलाइन जानकारी लेना, ये सब मल्टीमीडिया के अंदर ही आता है। अगर मल्टीमीडिया नहीं होता तो हम ये नहीं कर सकते थे। एंड हाईवे से इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो हमारा मल्टीमीडिया हाईवे है वो एक टोल रोड की तरह होता है, जो भी मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन है कहीं भी पूरे वर्ल्ड में ये फैला हुआ है
और हमें मल्टीपल इंफॉर्मेशन हम यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। डेटा हाईवे इज अ जस्ट लाइक अ टोल रोड वेयर यू विल पे एक्वायर एंड यूज मल्टीमीडिया बेस्ड इंफॉर्मेशन। इसका मतलब ये है कि डेटा हाईवे जो है हमारा वो एकदम टोल रोड की तरह है। जैसे कि हम रोड पर जाते हैं तो हमें टोल टैक्स देना पड़ता है, देन हम वहाँ जा सकते हैं। और वैसे ही डेटा हाईवे में हमें उसको जो मल्टीमीडिया होता है उसके लिए हमें कुछ पे करना होता है और उसके बाद हम उस पर सारी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं और उसे गेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स इसके टाटा स्काई मूवी ऑन डिमांड, जैसे कि टाटा स्काई है वो मल्टीमीडिया का ही पार्ट है। टाटा स्काई को हम पे करके न्यूज़, मूवीज, कार्टून्स ये सारी चीज़ें देखते हैं, सब मल्टीमीडिया का पार्ट है एंड जिसके थ्रू देख रहे हैं वो हमारा पूरा मल्टीमीडिया हाईवे कहलाएगा। तो यही हमारा मल्टीमीडिया हाईवे होता है। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड एंड थैंक यू।